प्रदेश के अमेठी जिले में बीती 11 फरवरी की रात में गौरीगंज थाने के नगरवा गांव में एक 17 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना परिजनों ने थाने पर दी थी, तभी से पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई थी। इस मामले में अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। आज 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। घटना के मुताबिक बीती 11 फरवरी की रात को अमेठी के गौरीगंज थाने के गांव नगरवा में 17 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक लड़की के पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में आज पुलिस टीम ने मुखबिर की निशानदेही पर मुसाफिरखाना रोड पर इस हत्या के मुख्य अभियुक्त संदीप शर्मा को न सिर्फ आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया बल्कि पूछताछ में एक बड़ा खुलासा भी सामने आया। अभियुक्त ने बताया कि उक्त युवती से उसका प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। उसने ये भी बताया कि पहले से ही वो शादीशुदा है, इसलिए वह उसको टालता रहा, लेकिन जब बात आगे बढ़ गई तो उसने रात में पहुंचकर सोते समय उसकी चाकुओं से गोदकर और गला रेतकर हत्या कर दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। संदीप शर्मा का उसकी पुत्री के साथ काफ़ी समय से अफेयर था, जिसमें उसकी पुत्री संदीप शर्मा से शादी का दबाव बना रही थी। संदीप शर्मा पहले से ही शादीशुदा था, इससे शादी न करना पड़े छुटकारा पाने के लिए उसने 12 तारीख की रात्रि में लगभग 1:30 बजे इसके घर में अंदर घुस करके चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अमेठी से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।